हमें परमेश्वर भेज कर हमें चंगा करता है। हालेलुया। फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें हम। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपकी स्तुति करता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं आपका आराधना करता हूं परमेश्वर, कि परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमसे बात किया है और एक अद्भुत काम हमारे जीवन में किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के पल के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जब वचन जो परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है, ये वचन बोलने में मेरी सहाय करना, पवित्र आत्मा मेरा मुख बनना और मुझसे और मेरे लोग से आप बातें करना, वचन समझाने में पर पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37:10-11 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 37:10-11। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और बातें बोला है। लेकिन क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जहाँ पे 37 में हमने देखा, 11 वचन का अंत भाग हम देखेंगे। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। क्या वर्ड है कि परमेश्वर का दास याकूब ने उस बात को स्मरण रखा। किस बात को वह स्मरण रखता था? कि परमेश्वर के दास जोसेफ को जो स्वप्न से बातें की, वो स्वप्न जब उससे कहा, अपने पिता से, अपने भाइयों से कहा, तो उन सारी बातों को उसने अपने दिमाग में रखा। किसने दिमाग में रखा? याकूब ने अपने दिमाग में रखा, उस बात को स्मरण रखा। हालेलुया। देखो परमेश्वर आज आपसे भी कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन आप सुनते हो, जब परमेश्वर का वर्ड आपसे बात करता है, तो आप उसको स्मरण रखना, आप उसको याद रखना कि परमेश्वर मुझसे आज क्या बात कर रहा है। इन पिछले साल में और कई समय से परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा होगा और उस बात को आपको याद रखना है। हालेलुया। मेरा पूरा टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन परमेश्वर के वर्ड के अनुसार हम आगे जाएंगे। वहां पर लिखा है, हम पढ़ेंगे उसी का उत्पत्ति उसका 45:26 वचन को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 45:26। और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। हालेलुया। गुजराती में पढ़ना, बहुत अच्छी बातें लिखी है। गुजराती कोई पास हो तो वहां से जो उत्पत्ति 45:26 में कहो। ओके, 6 मिनट में गुजराती। ओके, तो गुजराती में ए प्रमाण लिखवा मां जे एने ए बाबत ऊपर एने विश्वास करियो नहीं, एने ए बात एने मानी नहीं। ज्यारे जब याकूब से कहा गया, उनके बेटे ने कहा कि यूसुफ जिंदा है, तब यूसुफ के बारे में जब याकूब को बताया, तब उस बारे में उसने प्रतिदिन न की, उस बात पर उसने संदेह लाया। लेकिन याकूब ने क्या कहा था? उस बात को उसने स्मरण रखा था। लेकिन जब उसने सुना
कि मेरा बेटा मर गया, ये किसने बोला? वही भाइयों ने बोला कि तेरे बेटे जोसेफ को कोई जंगली पशु ने उसको मार कर खा गया है। जब ये बात उसने सुनी तो याकूब निराशा में आ गया, दुख में आ गया, मेरा बेटा मर गया। और उसके उस बात को लेकर कई समय तक वो दुखी रहा, कई समय तक वो दुखी रहा। लेकिन जब ये वर्ड परमेश्वर के वर्ड ये कहता है, वही बेटे ने अपने भाई के बारे में बताया, तब उसने प्रतिज्ञा ना की। जो मैं आज ये कहना चाहता हूं, जब आज के दिन तक परमेश्वर ने आपसे जो जो कहा है, या पिछले 5 साल से या 10 साल से, ये साल में परमेश्वर ने आपसे जो वाचा बांधी है उसको याद रखना और भूल मत जाना, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में वो करेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। याकूब ने स्मरण में रखा, लेकिन बाद में वो भूल गया। उसने सोचा कि जोसेफ मर गया, अब क्या? लेकिन नहीं, स्मरण तो रखा था। कब स्मरण में रखा? जब याकूब यूसुफ उसके साथ था, लेकिन यूसुफ चला गया, वो बाप पर उसने संदेह करना शुरू कर दिया। आपकी परिस्थिति चाहे बदल जाए, आपके लाइफ में समस्या आ जाए, आपको लगे कि मैं मरने पर हूं, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं कर्जों में हूं, मेरा कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, लेकिन परमेश्वर ने आपसे कहा है तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मोल होगा, तेरे द्वारा अपनी महिमा को मैं प्रकट करूंगा, तू भला और चंगा रहेगा। ये जब वर परमेश्वर ने आपको दिया है तो उस बात को याद रखना, डेफिनेटली आपके जीवन में वो करेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समस्या चाहे कैसी हो, लेकिन उस वचन में अपने आप को बनाए रखो, आप धीरज को काम करने दो। और एक वचन को पढ़ेंगे, देखो वहां पे हम जाएंगे, उत्पत्ति उसका 40:14-15 पढ़िए। उत्पत्ति 40:14-15। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों की देश से मुझे छुड़ा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। देखो ये जोसेफ का हृदय रो रहा है। जोसेफ जानता था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आज की डेट में एक कारा गृह में हूँ, एक बंदी वास के रूप में हूँ मैं, कि और लोग मुझे गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, कि लोग सोचते हैं ये तो रेप करने वाला पर्सन है, उसकी सजा इसमें ही हुई, क्योंकि पोटीफार की वाइफ ने आरोप डाला था इसने मेरे साथ गलत रिश्ता बनाने के लिए, उसके व्यभिचार के ऊपर एक सिंबल लगा। लेकिन जोसेफ जानता था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने लाइफ के अंदर सही रीति से चलते होंगे, लेकिन कोई आपके बारे में बोलेगा ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये महिला तो ऐसी है, भले चाहे आपके ऊपर कानून उठावे, लेकिन आपको अपने आप को स्थिर रखना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर की नजर आप पर है। अपने आप को दृढ़ रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उस बातों को जो वचन आपको दिया है वो अपने जीवन में और आपके जीवन में पूरा करके रहेगा। यूसुफ में क्या था? यूसुफ ने तो सपना देखा जो 37 के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लेकिन वही चैप्टर के अंत के भाग में हम देखो तो यूसुफ को तो बेच दिया, लेकिन यूसुफ को बेचने के बाद भी यूसुफ जानता था जिसने मेरे साथ बात की है ना वो जीवित परमेश्वर है, जो आपसे बात करता है दर्शन के द्वारा, जो आपके साथ बात करता है वचन के द्वारा या प्रोफेसी के द्वारा या दूतों के द्वारा, परमेश्वर आपसे बात करता है। तो इतना याद रखना, वो बातें आपके लाइफ में पूरा करके रहेगा। हालेलुया। लेकिन उस परिस्थिति उस समय तक पहुंचने से पहले, उस समय से पहले जैसे जोसेफ को बेच डाला, शायद आपके जीवन में कोई समस्या है, लेकिन डरना मत, डरना मत। जिसने आपसे वाचा बांधी है वो आपको वहां पर उस स्थान पर लेकर ही जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि यदि मैं हूँ, यदि पास्टर है, यदि कोई अधिकारी है, बोल के फिर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने वाचा बांधी थी तो परमेश्वर वो आशीष देगा। अब जोसेफ को देखो, जोसेफ अंदर ही अंदर टूट चुका है, अंदर ही अंदर रो रहा है, क्योंकि मैं अपने परिवार से, अपने समाज से अलग हो गया हूँ, उन लोगों के बीच में हूँ जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में हूँ, अब मैं क्या करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन अंदर इनसाइड उसको एक फेथ था, जिसने मुझे सपने से बात किया, वो परमेश्वर एक दिन मेरे परिवार को मेरे सामने लाएगा। जब वो सामने लाएगा तब मेरी पोजीशन भी अलग होगी। हालेलुया, जब मेरी पोजीशन होगी ना तभी लोग मेरे सामने झुकेंगे। यदि जेल में होऊंगा, जेल में रहूंगा, कोई मेरे आगे झुकने वाला नहीं है। यदि मैं मुझे शांत बनूं तो लोग आगे मुझे सलाम मारेंगे। यह उसका विश्वास था कि परमेश्वर ने उससे कहा था, परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा। और एक समय आया जब यूसुफ को परमेश्वर ने खड़ा किया, अंदर अंदर रो रहा था, अंदर अंदर घुटा, अंदर अंदर टूट चुका था, लेकिन उस दो व्यक्ति से कहा, जब तुम अपने पोजीशन में जाओ राजा के सामने, जब ये बात आपके जीवन में पूरी हो मुझे स्मरण रखना। लेकिन 2 साल तक वो लोग भूल गए। जब पारुल का सपना आया तब वो व्यक्ति ने उसके बारे में बताया, लेकिन 2 साल तक और उसके लाइफ में पड़ गए। देखो हम रेफरेंस नहीं खोलते लेकिन कंटिन्यू जा रहा है। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार अब देखो कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद को राजा के लिए अभिषेक किया गया था, लेकिन देखो राजा के अभिषेक होने के बाद उसके लाइफ में क्या आया, समस्या आई, दुख आया, प्रॉब्लम को फेस किया उसने। लेकिन जिसने आपका अभिषेक किया है तो अभिषेक आपको दबा के नहीं रखेगा, लेकिन अभिषेक आपको उठाएगा, अभिषेक में आप बढ़ोगे। लेकिन उस समय परमेश्वर आपको प्रिपेयर भी करता है, उन कुछ समय के लिए अंदर आपको तैयार भी करता है, लेकिन जो आपसे बात करता है वो आपके लाइफ में वो आशीष को लाकर ही रखेगा। जिसने बात किया अब्राहम से, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, 100 साल हुआ तब बाप भी बना। हालेलुया, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने जब दर्शन देकर उससे बात किया, परमेश्वर ने उस दर्शन के बारे में जब दर्शन देकर बात किया तब परमेश्वर उस वचन को भी पूरा किया। देखो हम लुका के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं एलिसबेथ और जकरिया के बारे में पढ़ते हैं लुका चैप्टर 1 में, तो वहां पर क्या लिखा है, जब दूत परमेश्वर का दूत गैब्रियल जब जकरिया से बात करता था, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया, अब कौन सी प्रार्थना थी वहां पर नहीं लिखा कौन सी प्रार्थना थी, लेकिन मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तब जकरिया क्या बोलता है, हम तो ओल्ड हो गए, अब तो हम क्या बोलते हैं बूढ़े हो गए, और बूढ़े लोग क्या बोलते, एक बम कब्र में और एक बम बाहर, कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है। लेकिन परमेश्वर, मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ, जब उसकी शादी हुई, जब शादी होने के बाद कुछ समय तक देखा कि अभी तक हमको मेरी बीवी को प्रेगनेंसी नहीं रहती, तब से लेकर या 5 साल के बाद उसने प्रार्थना की शुरुआत की होगी और प्रार्थना करता रहा, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति तो बाइबल कहती है पढ़ना घर पे जाके समय कम है। तो बाइबल क्या कहती है कि जकरिया और एलिजाबेथ दोनों धर्मी थे, दोनों धर्मी थे, प्रभु का भय मानने वाले थे, प्रभु के मार्ग में सच्चे दिल से चलने वाले लोग थे, क्योंकि बाइबल उसके बारे में गवाही दे रही है। और जब ये दोनों की गवाही के अनुसार देखे तो निजी वचन के पुस्तक में पढ़े, धर्मी जन की प्रार्थना तो परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, तो ये धर्मी जन कितने समय से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरी बीवी को बच्चे दे, मेरे बीवी को संतान दे, लेकिन बाप कब बना ये तो नहीं लिखी यहाँ पर, बुढ़ापे में बाप बना। आप अभी तक जितनी भी प्रार्थना करते हो, आपकी जो जो प्रार्थना है आप कर रहे हो और कर रहे हो, परमेश्वर उस प्रार्थना को याद रखता है।
आपकी प्रार्थना को वो सुनता है। और इतना याद रखना, यदि गैब्रियल जकरिया के पास आया तो आज की डेट में भी गैब्रियल आ सकता है आपके लाइफ में। परमेश्वर गैब्रियल को दे बेचकर आपके साथ बात कर सकता है, डायरेक्ट पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है, डायरेक्ट यीशु आपसे बात करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। एक धर्मी जन की प्रार्थना कई साल से कर रहा था, लेकिन बुढ़ापे में उसको आशीष मिली। आप कई सालों से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आपको उस बारे में आपको आशीष मिलेगी मिलेगी मिलेगी। सफलता आपकी है, जय आपका है, और ऊंचाई का स्थान आपके लिए रखा है। हालेलुया। और इस बात के लिए तो प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। मेरा इस्तेमाल हो प्रभु, मुझे ऊंचाई पे ले जा। ये सारी प्रार्थना यीशु सुनता है, लेकिन परमेश्वर का काम है अपने समय में करना है वो। हालेलुया। और उस समय से पहले प्रभु हमें तोड़ता है, प्रिपेयर भी करता है, लेकिन धीरज रखने की जरूरत है। साथ साथ जो परमेश्वर आपसे बात करता है उस बात पर आपको भरोसा रखना है। परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा, तो अपने बेटे का बलिदान दे दे, अब हिब्रुओं के पत्री में हम पढ़ेंगे तो हिब्रुओं में क्या लिखा है। अब्राहम को यह विश्वास था, यदि मेरा बेटा मर जाएगा ना तो वो जिंदा करने की ताकत उसके पास है। ये हिब्रुओं की पत्री में लिखा है, वो जिंदा करने की शक्ति और जिंदा करने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए उसको एक फेथ था, और अब्राहम ने अपने बेटों को मारने के लिए उसने छुरा भी उठाया, और परमेश्वर ने कहा उसे मत मारना। हालेलुया। परमेश्वर तो ये परीक्षा कर रहा था, लेकिन अब्राहम का इनसाइड फेथ था कि उसने मुझे क्या कहा था, तेरे द्वारा मैं बड़ी जाति को खड़ा करूंगा। रिसीव कीजिए, आपके लिए वर्ड है, एक प्रोफेटिक वर्ड है। प्रभु आपके द्वारा एक मिनिस्ट्री, प्रभु आपके द्वारा कलीसिया, प्रभु आपके द्वारा एक नई पीढ़ी को तैयार करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वर्ड है। जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे द्वारा एक जाति खड़ा करूंगा, और परमेश्वर यह वचन देता है तो परमेश्वर वचन भी पूरा करता है। और अब्राहम को वचन दिया था, और यह विश्वास था कि इसहाक मर भी जाएगा वो जिंदा होगा, क्योंकि उसने कहा आकाश के तारे के समान तेरे संतान होंगे, मेरे संतान होंगे। बस ये उसका फेथ था, आंख बंद करके विश्वास कर दिया। जो आपसे बात करता है, कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों की वो डायरी में हर एक चीज लिखते हैं। मैं तो नहीं लिखता, 99% नहीं लिखता, 1% लिखता हूं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, जो भी परमेश्वर आपसे बात करता है या कोई दर्शन दिया, कोई प्रोफेसी आई, तो तुरंत आप अपने डायरी में लिखते हो, ये साल में ये तारीख के दौरान परमेश्वर ने मुझसे इस तरह से बात की है। तो मैं आदत से कहता हूं, जब आप घर जाओ उस बात को स्मरण करो। जब से आप प्रभु में आए हो, जब से प्रभु में आने के बाद प्रभु ने आपको जो भी विजन के द्वारा, भविष्य वक्ता के द्वारा, वचन पढ़ते समय प्रभु ने आपसे वचन के द्वारा जो बात किया है, जिस तरह से प्रभु ने आपको बात किया है, उस बात को आप स्मरण करो, उसे रिपीट करो और कहो प्रभु इतनी प्रोफेसी पूरी हो गई, बाकी की जो बातें हैं अब मैं 21 में देखूंगा। हालेलुया। ये तुम्हारा फेथ अब तुमको कन्फेस कर। तो मैं आदम से कहना चाहता हूं कि देखो परमेश्वर ने क्या कहा, कि जब याकूब ने स्मरण रखा था उस बात को, लेकिन बैड न्यूज आने के बाद उस स्मरण से निकल गया। चाहे आप इन दिनों में प्रभु के वचन क्या कहता है, जवानों को तंगी होगी, सियों को तंगी होगी, लेकिन जो यहोवा के बात है, जो इसका भरोसा यहोवा पर है, उसको कोई कमी घटी ना होगी। तो इन दिनों में आपकी गवाही है, हमारी भी गवाही है, क्योंकि हमारा विश्वास था और उसने वचन पूरा करके दिया कि इसी कंडीशन में भी उसने हमें खिलाया पिलाया, अच्छी तरह रखा, तो वो आगे भी आपको चलाएगा। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने आपको किस तरह से आपको इन दिनों में बात कर रहा है, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो तो वचन को स्मरण करो, उस बात को स्मरण करो और उस बात को आप याद रखो। देखो और कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, हम नहीं खोलेंगे, लेकिन रिवेलेशन के पुस्तक में लिखा है, उसका चैप्टर 8:3-4 में लिखा है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को एक धूप दानी में रखता है, जो दूत परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है। हालेलुया।
हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उसे सुनता है, उसे स्मरण करता है। कई समय से इसराइल लोग दुख में थे, पुकार रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने समय आया, प्रभु ने मूसा के द्वारा इसराइल को छोड़ा है, क्योंकि मूसा से बात किया ना, तब क्या कहा, मैंने उनके आंसू को देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है। आपके आंसू को देखता है, आपकी आवाज, आपकी चिल्लाहट को वो सुनता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो भी परमेश्वर ने आपसे इन दिनों में बात किया है, तो परमेश्वर के वचन में आप बने रहना और वो वर्ड आपके लाइफ में पूरा करेगा। और कन्फेस करो, 21 के साल में जो प्रोफेसी आपके लिए है, ये मेरे लाइफ में पूरा होगा। जो पर्सनली प्रभु ने मेरे साथ बात की है, जो मेरी डायरी में लिखी है, ये साल में सारी चीजें मैं देखूंगा। और मांगो, विश्वास से साथ अब बोलो, परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। देखो इस शास्त्र उसका 5 अध्याय और 6 अध्याय और 6 और 7 वचन पढ़े, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना बिगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। देखो, मैं रात और दिन प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे इन समस्याओं में से बाहर निकाले। उसकी समस्या क्या थी? शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे था, रात और दिन गुफा में या कहीं और जंगलों में छिपा रहता था, खाने का प्रॉब्लम था, पानी का भी पीने का प्रॉब्लम था, बहुत सारी समस्या को फेस कर रहा था। लेकिन अभिषेक किसने किया था? शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने उसका राजा का अभिषेक किया था। लेकिन राजगद्दी पर बैठने से पहले ये सारी समस्या आई, लेकिन दाऊद को ये पक्का खातरी था कि जिसने मेरा अभिषेक किया है वो राजगद्दी पे मुझे बिठा कर ही रखेगा। इसलिए ये अय्यूब का विश्वास था कि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और वो परमेश्वर आपके लाइफ में वो करेगा जो आपके साथ जो परमेश्वर ने बात किया है। परिस्थिति की ओर मत देखना, अपने शरीर की ओर मत देखना, अपने एजुकेशन की ओर मत देखना, उसको सब संभव है। वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा, अभिषेक देगा और बढ़ाएगा, नए दौर खोलेगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों से वादा किया है। पास्टर साहब अपने बच्चे से बात करते, मैं ला के दूंगा, आधी रात को भी उठाते लेने के लिए। हालेलुया। क्यों? एक बाप ने बेटी को वचन दिया था, मैं भी अपने बेटे को वचन देता हूँ तो लाकर देता हूँ। क्यों? एक बाप ने दिया है तो हमारा वचन अपने बेटे के लिए फुलफिल करते हैं, तो जो स्वर्गीय पिता है आकाश पाताल हो जाएगा, वो उसका जो वचन है आपके लाकर पूरा करता है। तो आप अपने जवानी से लेकर आज के दिन तक आप घर जाके याद रखना कि प्रभु ने आपसे क्या क्या कहा। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए, क्योंकि समय आगे जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करो और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहो, प्रभु तू जो वचन देता है वो मेरे लाइफ में तो पूरा करता है। याकूब ने स्मरण रखा था लेकिन वो भूल गया बैड न्यूज सुनने के द्वारा। लेकिन हम इतना जान ले, जिसने मुझसे बात किया, चाहे मेरे पास कोई आकर बैड न्यूज भी दे, पृथ्वी उतर पातर हो जाएगी, लेकिन जिसने आपसे वादा किया है वो वादा पूरा करके रहेगा। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर में उनके लिए और चर्च के लिए, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप वचन के पक्के हो परमेश्वर, आप वचन बेचकर आप लोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हो। मैं प्रार्थना करता हालेलुया, जो जो परमेश्वर आज इन दिनों में परमेश्वर जो भी समस्याओं का फेस कर रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, ओ पिता मैं प्रार्थना करता, आपने उनसे बात किया है, आपने उनको वचन दिया है, तो मैं प्रार्थना करता परमेश्वर वो आपके वचन में बने रहे, आपके विश्वास में बने रहे, आपके सामर्थ्य
में वो बढ़े, ये दिन और आने वाला साल उनके लिए समृद्धि का साल हो, अभिषेक में बढ़ने का साल हो और वचन में प्रभु के रिश्ते में बढ़ने का साल बन जाए। ऐसे में प्रार्थना करता लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो बातें यहां पर जितने लोगों के साथ आपने कही है, जब अनमैरिड थे, जब मैरिड हुए, जब आप एक माता पिता की आशीष मिले, आज तक जो बातें आपने उनसे कही है, जो बातें उनके जीवन में पूरी है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो चीजें बाकी है प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु ये 21 साल में इस सारी बातें उनके जीवन में देख सके लोग, और कोई भी बातों में वो घबराए नहीं, चाहे समस्या चाहे कैसी हो, कि जिसने आप जो परमेश्वर आपसे बात करता है वो जान ले मेरा बाप वचन पूरा करने वाला प्रभु है। प्रभु मैं प्रार्थना करता जो भी ऑनलाइन हमें सुन रहे पिता, यदि कोई बीमार है, यदि कोई समस्या में है, तो यीशु के नाम से वो ही आपकी सामर्थ उनमें बहने पाए, चंगाई की सामर्थ उनमें बहे, छुटकारे की सामर्थ में बहे लॉर्ड, और जो भी समस्या में हो वो सारे बंधनों से भी वो आसान हो। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता आज पूरा दिन परमेश्वर सुबह से लेकर रात तक प्रभु आपने हमें संभाला, प्रभु आपके वचन से परमेश्वर आपने हमें दृढ़ किया, आत्मा की सामर्थ में हमें तैयार किया, अभिषेक में हमें तैयार किया, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु।